गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे दो मेरे बालों की प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही जिद्दी होती है, मतलब आप लोग होम रेमेडीज यूज़ करें चाहे कुछ भी यूज़ करें वो ऐसे नहीं जा सकती। एक ही उपाय होता है इसका, इनको कट करो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्प्लिट एंड्स को आप कैसे काट सकते हैं। इतने दिनों तक जिनकी ग्रोथ रुक चुकी थी वो भी इससे इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो समझ भी नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने हेयर्स दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाएंगे कि मेरे जो स्प्लिट एंड्स है वो कम हुए भी हैं या नहीं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। तो अभी मैं जो है अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड करूंगी इस तरह से, और फिर एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और उसे रोल रोल करेंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से रोल करना है। और ऐसे रोल करेंगे तो जो आपके बाल जो है अच्छे से स्प्लिट एंड कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हो क्लियरली कि जितने भी स्प्लिट एंड्स है दो में बार वो सब ऊपर की तरफ आ गए। अगर नहीं भी आया तो आप उन पे थोड़ा सा हाथ चलाएंगे तो उससे आ जाएंगे। लेकिन आपको ऐसे कट नहीं करना है इनको, आपको इनको इस मेथड से कट करना है जिसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। ऊपर ऊपर के बाल जिसे आपको दिखाई देंगे ना उतने उतने बाल आपको ऐसे ऐसे कट करने हैं। इसे जितने भी स्प्लिट एंड्स मतलब दो में बाल होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आपके बाल जो है फालतू में वेस्ट भी नहीं होंगे। और आप सब जानते हैं कि जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो किसी रेमेडी वगैरह से नहीं जाते, उनको ऐसे ही कट करना पड़ता है तभी जो है इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। नीचे की तरफ से भी मैंने बिल्कुल यही वाला मेथड यूज़ किया है, मतलब यही वाला नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सारे स्प्लिट एंड्स को कट कर दिया है। इसको थोड़ा सा रोल करेंगे तो ये भी जो है ऊपर आ जाएंगे तो इन्हें भी कट करना आसान होगा। आपको मैं दिखा देती हूँ। सो इन्हें भी कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इन बालों को एक तरफ ले जाके और फिर किसी हेयर पिन से सिक्योर कर देंगे एंड सारा प्रोसेस यही रहेगा। फिर पूरे बालों में दूसरा पार्ट लेंगे, उसको भी कॉम करेंगे, उसको सुलझाएंगे और रोल करेंगे और फिर उसके भी स्प्लिट एंड्स को ऐसे काट देंगे। एक तरफ के स्प्लिट एंड्स कट जाने के बाद में हम इन बालों को मतलब खोलेंगे और दूसरी तरफ का सेम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही बालों को लेंगे एक सेक्शन और उनको भी रोल करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से स्प्लिट एंड्स को कैंची की हेल्प से जो है कट कर लेंगे। आपके पास जो भी कैंची हो, सीजर हो, उन सब से किसी से भी आप इनको कट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास छोटी है तो छोटी से करें, बड़ी है तो बड़ी से करें, जो भी है आपके पास उससे ही करें। के बाद में जो है आप जब अपने बालों को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इन बालों में जो है साइन आ गई है और आपके बालों की ग्रोथ प्रमोट होगी इससे। और इससे जितने भी प्रॉब्लम्स होगी जो कि आपके बालों को बढ़ने नहीं दे रही है, ये
स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम ही होती है जिसकी वजह से जो आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, तो इससे ये जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि पहले मेरे स्प्लिट एंड्स कितने थे और अभी जो है कितने सही हो गए हैं, मतलब उनको कट कर दिया है मैंने। साथ ही साथ आपके बालों में साइन भी आएगी। सो गाइस, ये तो मेरा आज का वीडियो है। ओके, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।